जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप बिहार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे होंगे और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि भैया कौन सा बुक लेके जाए। भाई एनसीईआरटी बुक तो बोल दिया गया है कि भाई एनसीईआरटी बुक या सीबीएसई बोर्ड का बुक ले जा सकते हैं। तो भाई आपके तीन सब्जेक्ट आपको मेन है, एक जीएस हो गया, एक साइंस हो गया और एक मैथ हो गया, और रीजनिंग में भाई एनसीईआरटी बुक में तो आता नहीं है। तो अब एक समस्या है कि बुक लेके जाए या ना जाए, या जाए भी तो कौन सा बुक लेके जाए। अब इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर बोला गया है कि बुक लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए, लेकिन फायदा उदा होता नहीं है। ठीक ना, फायदा उदा होता नहीं है। अब बात ऐसा है कि भाई जो बुक लेके जब जाते हैं ना, तो होता क्या है कि दिमाग में रहता है कि यार बुक तो ले लिए हैं तो ज़्यादा क्या रिविज़न करना है। ये गलती कभी मत कीजिएगा, रिविज़न करके ही जाइएगा, क्योंकि बुक से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक में आप कौन कौन सा बुक लेके जाए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है ना एनसीईआरटी बुक में, आप 9th का और 10th का, दो का बुक ले जा सकते हैं, तो 9th और 10th ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से आप इतिहास, भूगोल अगर अलग अलग ले जाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि खासकर इसका ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, और साइंस का 9th 10th का ले सकते हैं, और एक आपका सोशल साइंस का भी ले सकते हैं। अब रहा बात, किसी किसी का मैथ कमज़ोर होता है, किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो आप मैथ वाला ले लीजिए जिसमें फॉर्मूला दिया रहता है, या आप जो आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर होंगे उस सब्जेक्ट को भी ले जा सकते हैं। लेकिन एक और सवाल उठता है कि आप तो ले तो जाइएगा और आपको उसको कभी पढ़ा ही नहीं है आपने, यानी जो पढ़े नहीं है और उस बुक को ले जाइएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कहूँगा कि उस बुक को ले जाइए जिसको आप पढ़े हो, ठीक, आप जानते हो, तो उसमें खोजना आसान रहता है। अब बात है कि बुक तो लेके गए हैं आप, लेकिन क्या करें, क्या शुरू से ही बुक क्वेश्चन आया और बुक खोल कर देखना स्टार्ट करें, तो उसमें आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। देखिए, जब आप बुक लेके जाते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, बुक को भैया साइड रख दीजिए और पहले के पहले आप जो मैथ है, रीजनिंग है, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए, मैथ आपका 25, रीजनिंग 50, तो इसमें आपको कम से कम ना उठाना भी होगा तो करीब करीब आपको 60 से 70 नंबर अगर उठा लेते हैं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए, रीजनिंग अगर 50 है, रीजनिंग में अगर आप 45 और मैथ में 20 भी उठा लेते हैं तब भी आपका 65 के आसपास में आ जाते हैं। तो अगर आप 60-65 यहाँ से उठा लेते हैं, तो अब बात करते हैं जीएस में थोड़ा सा समय कम लगता है, लेकिन जो याद होता आप मारते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये आप जब देख रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा बचेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो है ना वो आपका टाइम टेकिंग वाला है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके पास समय बचेगा। अब जैसे ही आप जब पूरा का पूरा कर देते हैं और जो डाउट वाला है ना, उसे गोल गोल करते चलिए कि चलो उसको, अगर हम किताब साइंस का किताब लेके गए हैं तो साइंस वाला अगर डाउट में है तो हम उसको गोल कर देंगे और उसको बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद जो आपके पास 5 मिनट या 10 मिनट बचता है, तब आप किताब को उठाइए और खोजना स्टार्ट कीजिए, यानी जो भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं उसको आप उठाइए और देखना शुरू कीजिए। और उसके बाद मेरे ख्याल से ना 2 से 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो वो भी बहुत बेहतर माना जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन का अगर फ़ायदा मिला तो। अब अगर देखा जाए तो आपको कहीं स्कोर भी उठाना पड़ेगा तो कम से कम 120 के ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा, अगर 120 के ऊपर ले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये भी है कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप कितना कीजिएगा। तो देखिए, हम एक चीज़ कहेंगे, अगर आपने 110 या 100 के ऊपर अगर आपने कंफर्म मारा है तो ज़्यादा रिक्स भी मत लीजिएगा, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में पता चलता है कि माइनस में चले गए, ये भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 110 के ऊपर अगर आप हैं तो ज़्यादा रिक्स ना लें। हाँ, डबल डाउट वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में डाउट है कि यार ये हो सकता है, तो उसको मार दीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अच्छा, कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन के भाव को भी देखकर अगर आपको याद ना हो और आप तुक्का मारना चाहते हैं तो उसमें भी एक प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कभी कोई ऑप्शन देता है, मतलब क्वेश्चन दिया और उसमें तीन ऑप्शन बहुत लंबे हैं और चौथा ऑप्शन जो है ना बहुत छोटा सा है, तो आप उसको रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि जो छोटा वाला होता है ना, जब 3 बड़े बड़े हो जाते हैं और 1 छोटा हो जाता है, तो उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है कि उसका ऑप्शन यही सही होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो उसको मार सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन छोटे आंसर जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और एक ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा लंबा दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है,
तो वो एक्सप्लेन वाला भी ज़्यादा सही होने का चांस रहता है, यानी करीब करीब 80% चांस रहता है। तो अगर आपको ऐसे ही रिस्क लेना है तो आप समझ लीजिए कि आपका स्कोर कितना आया है। और अगर मान लेते हैं कि आपने किया और आपके पास 80 नंबर तक ही कर पाए हैं, तो अब आप पूरा का पूरा रन कराइए, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि 80 से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए अब आप छोड़िए मत, अब उसके बाद आप उसको रंगने की कोशिश कीजिए कि क्या पता आगे पहुंच जाए। लेकिन जो 100 के ऊपर है वो रिक्स ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ डबल डाउट वाले पे ही रिक्स लेंगे, ठीक ना। तो एनसीईआरटी बुक में आप खासकर साइंस का बुक ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, और प्लस सोशल साइंस का बुक ले लीजिए। और मैथ में तो आप समझ सकते हैं कि भाई फार्मूला ही आपका काम आएगा, ज़्यादातर उतना क्वेश्चन आप खोज नहीं पाइएगा। इसीलिए बुक के चक्कर में तो ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप बोला गया है तो लेके जाइए और उसे ज़रूर देखिए। तो अभी आप, मुझे पता है कि अब आप लोग इधर उधर निकलने की कोशिश में होंगे, और मैं आपके लिए बस एक ही बात कह सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से निकालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।